हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम होली की स्पेशल मिठाई गुजिया बनाने वाले हैं। तो गुजिया बनाने की आज हम आपको एक खास ट्रिक बताएंगे जिससे कि हमारी गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं गुजिया बनाना। गुजिया बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम मैदा लिया है और 400 ग्राम मैदा में हमें 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल डालना है। आप इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हो। रिफाइंड ऑयल को अच्छे से मैदा में मिला लेना है। तो हमने इस तरीके से मैदा में इसको रिफाइंड ऑयल को मिला लिया और हाथ से जब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं तो हम हाथ से इसको देखते हैं। इस तरीके से हमें इतना इसमें ऑयल डालना है कि इस तरह से हाथ से ये बंध जाए। अब हम इसमें गुनगुने पानी से इसको आटे को लगा लेते हैं, यानी कि मैदा को। हमें जैसे हम पूरी का आटा बनाते हैं इसी तरीके से हमें इसका गुजिया का आटा तैयार कर लेना है। न हमें ज़्यादा सख्त आटा गूंथना है और न ही ज़्यादा पतला। तो इसको हमें अच्छे से गूंथ करके अब हम इसको ढक करके छोड़ देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। तो अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं 100 ग्राम सूजी डाल दी है। सूजी को हमें सूखा ही भून लेना है। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हमें सूजी का हल्का कलर चेंज कर लेना है। जैसे ही सूजी का हल्का कलर चेंज हो जाता है इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। सूजी को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। ये मैंने एक कटोरी मावा लिया है और इसमें डाल देती हूँ, यानी कि ये मावा 250 ग्राम के करीब मावा होगा ये। और ये मैंने एक गोला लिया था, एक सूखा नारियल, इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये मैंने लिए हैं काजू, इसमें ये मैंने काजू डाल दिए। ये मैंने किशमिश डाल दिए। और अब मैं इसमें 300 ग्राम बूरा डाल दी है, यानी कि पिसी हुई चीनी, और इन सब को मिला देती हूँ। इन्हें हमें अच्छे से मिला देना है। तो मैंने इसको हाथ से अच्छे से मिला दूंगी। मैं इसको मैंने हाथ से अच्छे से मिला दिया। अब मैं आटे को देखती हूँ। ये हमारा गुजिया का आटा अच्छे से बन तैयार हो गया है। मैंने इसमें थोड़ा सा और मुक्की सी लगा दी है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोई बनाऊंगी। जैसे हम पूरी की लोई बनाते हैं इसी तरीके से हमें गुजिया की भी लोई बना लेनी है। तो ये मैंने दो लोई बना के तैयार कर ली है। अब मैं इनको बेलना शुरू करती हूँ। ये मैंने इसकी को बेल लिया है। अब मैं एक गुजिया बनाने का इस साँचा लेती हूँ और इस साँचे के ऊपर इसको रख कर और उंगली से चारों तरफ इस पर पानी लगा दूंगी जिससे ये हमारी गुजिया खुलेगी नहीं। और इस पर मैं स्टफिंग भरना शुरू करती हूँ। इसमें मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। इसमें हमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, नहीं तो हमारी गुजिया कढ़ाई में फट जाती है। और ये एक्स्ट्रा आटा मैंने निकाल दिया। अब देखो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी गुजिया बन गई है। गुजिया हमारी बन गई है। अब हम दूसरी गुजिया को बनाना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेंगे। सबसे पहले हम इस बेल लेंगे और हमने इस सांचे पर रख कर सांचे से हमें थोड़ा सी फालतू इस बनानी है और उंगली से ये पानी लगा देना है। और इसमें हम 1.5 चम्मच स्टफिंग भर देंगे और इसको बंद करके ये एक्स्ट्रा जो आटा होता है इसको हम हटा देंगे। देखो हमने ये दूसरी गुजिया भी बना ली है। तो हमने ये दो गुजिया बना ली है और हमने इस तरीके से सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है। देखो फ्रेंड्स, हमने ये बहुत सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है क्योंकि हमने 400 ग्राम मैदा लिया था। और अब हम मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल को चढ़ा लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया मैंने इसमें डाल दी है ये गुजिया। इनको अब मैं अच्छे से तल लूँगी।
इस तरह एक एक करके मैं इसमें सारी गुजिया डाल देती हूँ। गुजिया को हल्का गोल्डन कलर का हमें कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें अपने गुजिया को तलते रहना है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर हमारी गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और स्वादिष्ट बनेगी। तो हमें तलते समय कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो गुजिया हमारी अच्छी नहीं बनेंगी और वे फट जाएंगी। तो इनको इसी तरह पलट 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 कर हमें अच्छे से सेक लेना है दोनों साइड से। गुजिया हमारी हल्की गोल्डन कलर की हो गई है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, गुजिया हमारी बन गई है। गुजिया का कलर कितना सुंदर आ गया है, बहुत ही अच्छी गुजिया बन के तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना और लाइक का बटन ज़रूर दबाना। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।